हाय वेलकम दोस्तों, अगर आप लोग ब्लॉग करते हैं और ब्लॉगिंग का अपना आवाज़ एक बेहतरीन बनाना चाहते हैं या बेहतरीन एडिटिंग करना चाहते हैं जैसे सौरभ जोशी की तरह या मनोज देव की तरह, उस तरह का अगर आपके पास माइक नहीं है तो आपका आवाज़ उस तरह का नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या आप लोग को मतलब अपनाना है, क्या हिडन सीक्रेट है और किस तरह से आप लोग एडिट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप सिखाऊँगा। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों के पास अगर माइक हो या ना हो, लेकिन अगर आप लोग अपने ब्लॉग का एक बेहतरीन आवाज़ को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को लेक्सिस सॉफ्टवेयर मोबाइल, सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना है, अपना जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बस उसको डायरेक्ट अपने लेक्सिस में ऐड करिए और उसके बाद आप लोग उसमें नॉर्मलाइज, रिबब, डिले, ईक्यू और कंप्रेस करिए, स्प्लिट करिए, बस एडिटिंग करना है। और ये कैसे सब कुछ करना है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा। अगर आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने भाई के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर में आपको आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लिखना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर एंड अगेन इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको यहाँ पे कैंसिल और पेन का ऑप्शन आएगा। जब तक यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है तब तक ये है 11.83 MB का, ठीक है। बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है और बहुत कारगर है। अब आप लोग इसमें हर चीज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगेन आपको पहले अलाउ करना होगा, मैं अलाउ यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये माइक जो है वर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब ये जितनी सारे चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है माइक्रोफोन इज ओकोपिड बाई एप्स नाउ, अगेन डन करेंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे वो नहीं होगा, राइट। यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए क्या करें। अब मैं यहाँ से पहले एक बार फिर से इसको कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे माइक मेरा एकदम काम कर चुका है, ताकि यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट भी है। अब इसमें मैं एक एक चीज़ों को आपको बता सकता हूँ। देखिए पहले यहाँ पे जितने सारे बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको मिलता है रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस यहाँ से रिकॉर्ड को बंद कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि अपने जो भी यहाँ पे लेयरिंग होगा, ये जो आपका ऑडियो का, उसको आप लोग यहाँ पे चला भी सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कोई भी वीडियो का ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग कहाँ पे रखें वो चीज़ आप लोग यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। उसके लिए मैं फाइल वाले ऑप्शन पाता हूँ ऊपर, जो यहाँ पे डॉट डॉट करके आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक रिकॉर्डर को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर रिकॉर्ड करें तो उसको किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं कि कहाँ पे है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी चीज़ों को पहले ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑडियो को ही ले लेता हूँ, ताकि ऑडियो को आपको यहाँ पे बताने में अच्छा रहेगा और आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑडियो है जो कि मैं रिकॉर्डेड करके रखा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डेड। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑडियो को ले लेता हूँ। चलिए ये ले लेते हैं और डन करते हैं। अब यहाँ पे ये ऑडियो आ चुका है, ये है वेव फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ये वेव फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आपको यहीं पर सारा कुछ एडिट करना है। पहले तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसका वेव है, ये वेव यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे जो आपको देख सकते हैं कि स्पेस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है। और यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे भी ये कोई आवाज़ नहीं है, कोई यहाँ पर नॉइज वाइज होगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार चलाएंगे ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके जो ग्रीन है, और यहाँ पे हम लोग सुनेंगे क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास माइक लगा है, तो इस जिससे कि ये सुनाई नहीं देगा। तो हम लोगों को अब एडिट करना है, बस यहाँ पे एक बार इसको बंद कर देना है। यहाँ पे जो वाइट वाले है यह इसको आगे ले जाना है। अब यहाँ पर एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर म्यूजिक को इम्पोर्ट करते हैं। हम लोग के पास यहाँ पर एक लेयर ये आ जाता है।
अब लेयर आने के बाद यहाँ पे एक बीच बीच में जो गैप यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी आपका आवाज़ नहीं है। तो इसको हम लोग को पहले क्या करना है, एडिट करना है, एक एक चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे मिटाना है या डिलीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये शो करता है, यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग का इसी का इस्तेमाल करके इसको एक एक पार्ट का डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे एक और डुप्लीकेट कर देंगे इसका, ठीक है। यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करना है आप, और यहाँ पे एक है ये, यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं। अब जहाँ तक ये पार्ट को डिलीट करना है बस इसको आप लोग इस तरह से सिलेक्शन कर दीजिए, एक यहाँ पे रहेगा एक यहाँ पे। ये अब यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद आपको राइट में देखेंगे थ्री डॉट दिखता है, ये थ्री डॉट अगेन इस पर क्लिक करके नीचे एक कट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा। कट करने के बाद यहाँ पे कट हो चुका है। अब कट करने के बाद यहाँ पे एक रीपर डिलीट जिसको बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक ये टाइमिंग पर ले लिया है। अब फिर हम लोगों को यहाँ पे ये क्लिक करना है और यहाँ पर भी हम लोग को सफाई करना है, मतलब यहाँ पे बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। फिर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर यहाँ से कट करना है। ये रीपर डिलीट है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक टाइमिंग पर ये करेक्ट जाकर ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ और फिर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, कट करेंगे। इसी तरह से आपको जहाँ तक ये लगता है कि बस यहाँ पर वॉइस नहीं है, बस इसको इस तरह से सेलेक्ट करिए। ये जो मैं लेकर आ रहा हूँ जहाँ से, ये इसको बस आपको एक होता है राइट में एक होता है लेफ्ट में सिलेक्शन टूल, बस उसके बाद यहाँ पे राइट पर क्लिक करिए जो थ्री डॉट है और कट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये रीपर डिलीट। अब इस तरह का टूल आपको शायद कोई भी सॉफ्टवेयर में ना मिल पाए, हमको तो आशा कम है, ताकि इस तरह का जो टूल है बहुत कम ही ऑप्शन मिलते हैं जो रीपर डिलीट ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट करके ये कट कर दे रहा है। देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और कट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कट हो चुका है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक बस इतना हमको पार्ट को सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे इतना करना है, बस अच्छे से आपको यहाँ पे कर देना है, कट करना है। अगर यहाँ पे जूम करना है तो प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस ऊपर में ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, बस इस पर अनजूम जूम कर देना है। यहाँ पे प्लस पर करेंगे जूम होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मैं चला कर भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे माइक लगाए हैं तो आपको शायद ना सुनाई दे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में आते हैं और लास्ट का पार्ट यहाँ पे थोड़ा से देखेंगे, तो है थ्री डॉट पर क्लिक करिए, यहाँ पे सिलेक्शन करिए पहले, यहाँ पे जाते हैं लास्ट में और यहाँ बस, और यहाँ पे जाएंगे और इसको डिलीट करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करिए, कट करिए, यहाँ पे देखिए एक टाइमिंग के ऊपर आ चुका है। और फिर मैं यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आ चुका है, और मैं इसको भी डिलीट करूँगा इसी तरह से, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं इसको भी लेकर आऊँगा इस तरह से। जहाँ पर भी आपको कट लगाना है बस उसको लेकर आइए इस तरह से, और मैं यहाँ पे एक कट लगाना चाहता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करिए, कट करिए, यहाँ पे देखिए टाइमिंग पर ये हो चुका है। फिर यहाँ पर आइए, फिर इसको कट करिए। अब आई होप आपको यहाँ पे कट करने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, और आप लोग इस तरह से सॉल्व कर भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके, यहाँ पे जब तक सिलेक्शन नहीं रहता है तब तक यहाँ पे जान जाओ कि कटेगा नहीं, वरना यहाँ पे कट चुका है। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाना है, तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पे मैं लास्ट में आता हूँ, और इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको इसे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है बहुत सारे इफ़ेक्ट का। पहले तो यहाँ पे फेड इन और फेड आउट का मतलब क्या होता है, फेड इन का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पे जो शुरू में आवाज़ आएंगे वो थोड़ा से डाउन होकर ऊपर उड़ेंगे, मतलब डाउन होकर ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन फेड आउट का मतलब है कि वो लास्ट में जाते जाते वो स्लो हो जाएगा और पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे एक नॉर्मलाइज का ऑप्शन है, अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन पर आप लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइज कर दूँ, इसको बड़ा करूँ, तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से बड़ा कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट में फिर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना है। अब यहाँ पे एक रिवर्स का ऑप्शन है, अगर आप लोग इस ऑडियो को चाहते हैं कि रिवर्स कर दूँ या उल्टा कर दूँ, तो बस इस पर क्लिक करना है।
अगर नीचे जाएंगे यहाँ पे नॉइज रिडक्शन का एक ऑप्शन दिखता है। अब नॉइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग कहीं पर रिकॉर्ड किए हैं, कहीं पर शोरगोल जो होता है उसको नॉइज रिडक्शन बोलते हैं, बस इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक बार अप्लाई करिए और यहाँ पे पहले चेकआउट करिए कि कितना हमें रखना है ताकि आवाज़ भी ना कटे और मेरा प्लास्टिक की तरह आवाज़ ना कर पाए। देखिए यहाँ पे ये नॉइज रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस चेक पर क्लिक करिए, यहाँ पे नॉर्मलाइज एक बार कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करिए, इफेक्ट में आइए। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट काम आता है पिच करने का। आप यहाँ पे चेंज पिच का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे अलग अलग कोई आवाज़ चाहते हैं तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 0 करता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करिए और इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आइए। और आप लोग अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन के बाद अब कंप्रेसर आता है, आप लोग इसमें कंप्रेस कर सकते हैं ताकि जो आपका आवाज़ होगा वो कहीं ऊपर और डाउन नहीं होगा, मतलब सेम में हो जाएगा कंप्रेसर लगाने से। यहाँ पे क्लिक करिए, बस अप्लाई कर दीजिएगा। कंप्रेसर लग चुका है, यहाँ पे देखिए सेम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत मान्य रखता है। उसके बाद फिर इफेक्ट पर आइए और नीचे आइए। कंप्रेसर के बाद आपको आता है इक्वलाइजर एम्पलीफायर, ताकि आवाज़ को बूस्ट करना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक करिएगा। एक बार यहाँ से कितना बूस्ट करना है, मीड हाई लो, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस बढ़ा दीजिएगा, मतलब वो यहाँ पे 2 dB तक दिया है, 20 dB तक, यहाँ पे बस माने आपको करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये एम्पलीफायर जो है बहुत कमाल की है और इसमें आप लोग बेहतरीन आवाज़ों को बना सकते हैं, ये कमाल का है। बस इसमें थोड़ा से बेसिक है और आप लोग आसानी से ये लगा सकते हैं। मैं 3 डॉट फिर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे रिवर्ब और इको का क्या होता है, इको का मतलब कि जैसे कि आप लोग बहुत सारी आवाज़ सुनेंगे जिनमें आप लोगों को बहुत डबल आवाज़ आती है, उसको इको बोलते हैं। रिवर्ब का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी गूंज हो रहा है, कोई भी एक क्लिक बोले और वहाँ पे भीड़ और बहुत सारे शोरगुल हो गया तो उसको रिवर्ब बोलते हैं। इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, बस अपने हिसाब से करना है, बस 1-2 dB करना है और ज़्यादा करने से आपका रिवर्ब यहाँ पे देख सकते हैं लग चुका है। फिर उसके बाद नीचे जाइए और यहाँ पे वोकोडेक्स नहीं लगाना है वरना आपका आवाज़ जो है कि ख़राब हो जाएगा, ये फनी के लिए होता है। बस इतना करने के बाद आपको एक्सपोर्ट कर देना है, इसके लिए सेव करना है। उसके बाद कहाँ पर आपको रखना है, बस वो आप लोग यहाँ पर जाइए, अलार्म में मैं रखता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से एडिट होने के बाद आपको सेव कर देना है इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और आपका आवाज़ जो है बेहतरीन बन चुका है। सो आई होप ये वीडियो गाइस पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।